यूपी के आगरा में थाना सिकंदरा के बाईपुर में दबंगों से परेशान बुजुर्ग महिला पुरुष बैठे धरने पर। धरने पर बैठे लोगों ने जिला प्रशासन व पुलिस से ट्वीट कर मांगी मदद। धरने पर बैठे लोग अपने पूर्वजों को दबंगों से मुक्त कराने की कर रहे मांग। धरने पर बैठे पीड़ित बुजुर्ग महिला पुरुषों का आरोप है कि उनके पूर्वजों के बने देव स्थान पर दबंगों ने कब्जा किया है। दबंगों से अपने पूर्वजों के देव स्थान को मुक्त कराने को लगाई सरकार से गुहार। दबंगों से परेशान पीड़ित बुजुर्ग महिला पुरुष ने सरकार को अपनी पूरी संपत्ति सौंपने को लिखा पत्र। ये मामला है कि मेरे पुरखों को बंद करके रखा ताले में। किसने बंद किया है? मेरे देवर ने, वो आर्मी में से रिटायर। अच्छा। और उसने बंद करके रखा है, वो मेरे को जाने नहीं दे रहा है कि हम लोग कैसे जाएं। मैं अपनी बहू को भी लेके आई तो इसके बाद उसने ताला लगा दिया कि नहीं जाने देंगे तुमको। बहू को पैर छूने के लिए दिया किया जाता है ना जी। तो मेरी बहू को भी आशीर्वाद नहीं देने दिया इसने। हम लोग पिताजी की जो स्मृति है और उनके उनके भी पिताजी की स्मृति है और जो पिताजी ने बन और माँ ने हमारी माँ ने बनवाया था उसमें हम अपने सभी पूर्वजों को नमन करते थे। और ये सब कुछ बना हुआ नहीं था लेकिन वो पूजा स्मृति बनी हुई थी 1990 से, जब से हमारी माता पिता का भी देहांत हुआ उसके बाद। तो हम लोग हमेशा इसको जाते थे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, नमन करते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब से इसको इसने दबंगों ने घेरा है और इसमें अपना कब्जा जमाया है नवंबर पिछली साल, तो उसके बाद हम लोग उनसे कभी भी नमन नहीं कर पाए। ट्विटर के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आया है और प्रकरण की जांच की जाएगी। क्योंकि प्रकरण निजी भूमि का है तो निजी भूमि से संबंधित है, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से जांच की जाएगी और जांच के बाद और उच्च अधिकारियों के आदेश के उपरांत ही कोई कार्यवाही की जाएगी। सर, उन लोगों का जो बुजुर्ग दंपति जो उनका परिवार पूरा जो धरने पर बैठा है, उनका ये कहना है कि वहाँ उनका देव स्थान है और वो सभी की सम्मिलित है और एक ही व्यक्ति के द्वारा उसको कब्जा कर गया, उसका अधिग्रहण किया गया है। क्या नहीं है, अगर ऐसा किया गया है तो गलत किया गया है, लेकिन जो भी है प्रकरण की जांच और अभिलेखों की जांच के उपरांत ही हम कार्रवाई कर सकते हैं और जैसा तथ्य सामने आएगा और जो भी पक्ष सही पाया जाएगा उसी के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।